हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कैप्चा लाइफ। आपके खुद के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज यहां पर जो है एक ऑफर निकल के आया है और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वो बता दे। क्यों बता दिया जाए? क्योंकि भाई आपको इस चैनल पर सबसे पहले जो है एक्सचेंज ऑफर्स, डील्स, फ्लैश, कुछ भी जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आज जो है Redmi 6 Pro की तो सेल है ही, वो तो अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Vivo V11 Pro 2000 एक्स्ट्रा ऑन एक्सचेंज यहाँ पर जो है आप देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बता दूँ 2000 से ज़्यादा जो है आपको एक्सचेंज का ऑफर मिल रहा है। और मैं बता दूँ दोस्तों कि Vivo V11 Pro अभी लॉन्च नहीं हुआ है। एक्चुअल में क्या है, इसकी सेल नहीं हुई है, लॉन्च तो ये हो चुका है। तो 12 तारीख को इसका पहला जो है सेल होने वाली है। तो इस तरीके से जो है आप, मैं बताऊँ इसमें क्या है, 12 तारीख को ये पहली बार दिखाई देगा सेल में, लेकिन उससे पहले आप इसके प्री ऑर्डर कर सकते हैं। और ये फ़ोन वही है जो ड्रॉप नॉच के साथ आता है। बाकी आप लोगों को इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है पता है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ताकि हम इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू वीडियो बना सके और आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी दे सके। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं Vivo V11। इस तरीके का जो है आपको कुछ बैनर पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। अभी जो है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 25,990 रखी गई है। एक्चुअल में मार्केट वैल्यू इसकी 25,990 है, ये सबको पता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जो है आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, सीधा आप पेज पर जा सकते हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं विद एक्सचेंज अप टू 10,000। यहां पर आप देख सकते हैं 10,596 रुपए का जो है अप टू मिल जाएगा। वो मैं बता दूं, देखो यहां से जो है एक्सचेंज पर क्लिक करना है और अपनी ब्रांड चूज कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट फिलहाल Xiaomi पर है, और मतलब टारगेट का मतलब है कि भाई Xiaomi के फ़ोन ज़्यादा है मार्केट में, तो सब लोग जो है काफ़ी एक दो साल या डेढ़ साल यूज़ करने के बाद उनको एक्सचेंज करना चाहते हैं। और क्यों ना करें, जब उनका एक्चुअल में प्राइस इतना ही मिल जाता है डेढ़ साल पहले जितने में उन्होंने ख़रीदा था। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर 5A, Redmi 5A कभी आप लोगों ने लिया होगा तो 4,999 के आसपास वो पड़ रहा था, और अभी उसकी एक्सचेंज वैल्यू 4,961 ही लग रही है। और इस तरीके से जो है आपको ये पे करना पड़ेगा, 21,000 आपको पे करने पड़ेंगे बस। तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं, और प्री ऑर्डर यहाँ पर जो है एक्चुअल में ये तो प्राइम है, और प्राइम की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्राइम कैसे ले सकते हैं वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पर आप जो है और भी नंबर ऑफ फोन्स देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल Redmi 4। तो देखिए Redmi 4 का जो है 4,990 लग रहे हैं, Redmi 4A की बात करें तो 4,300 लग रहे हैं। इसी तरीके से Redmi 5 अगर किसी को चेंज करना है तो 5,560 में वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से 20,430 पे करने होंगे, ये करना होगा, बस सिंपल सा कुछ नहीं है। और प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, जो फ़ोन भी आप एक्सचेंज करेंगे उसका IMEI नंबर यहाँ पर फीड कर देंगे, एंटर कर देंगे और वेरीफाइड वो कर लेगा सिस्टम बस। और IMEI नंबर को फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है *#06#, आपने उस फोन पर डायल करना है जो फोन आपको एक्सचेंज में देना है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये काफी क्यूरीज आती हैं कि भाई जब एक्सचेंज डिलीवरी बॉय जब आता है तो एक्सचेंज में क्या क्या देना पड़ता है, बॉक्स, बिल वगैरह। तो मैं बताऊं दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओनर 7X जो हमने खरीदा था 2141 रुपए में विद एक्सचेंज ऑफ Xiaomi 5A, Redmi 5A के एक्सचेंज में हमने खरीदा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा और आपसे बस वो फ़ोन लेगा, मतलब हैंडसेट लेगा और कुछ भी नहीं लेगा, ना वो चार्जर लेगा, ना हेडसेट लेगा, ना फिर USB केबल, ना डब्बा, ना बिल, कुछ नहीं, बस उनको हैंडसेट चाहिए, और हैंडसेट उनको चाहिए एक वर्किंग कंडीशन में, और ना उसके ऊपर कोई क्रैक होना चाहिए और ना ही स्क्रीन टूटी होनी चाहिए बस। और जब आप उसको एक्सचेंज में देंगे तो आपको अपना फ़ोन हार्ड रिसेट कर लेना होगा, ताकि का कुछ जो इन्फॉर्मेशन डाटा होता है, पर्सनल डाटा, वो कहीं लीक ना हो, बस इतना सा ध्यान रखना है और एक्सचेंज कर लेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बताऊं कि भाई ओनर 7X की अनबॉक्सिंग भी कर रखी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जो मैंने खरीदा था विद एक्सचेंज ऑफर। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। और Vivo V11 Pro काफ़ी हाइप हो रहा है और अच्छा फ़ोन देखने को मिल रहा है। और बाकी जो है अगर आपको ये लेना है तो 12 तारीख को इसकी दी यहाँ पर देख सकते हैं, दिस आइटम विल बी रिलीज्ड ऑन September 12th। तो प्री ऑर्डर ना हो तो यहाँ से आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं पहले ही, अगर आपको ये फ़ोन लेना है।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि लाइक से यार हमें सपोर्ट मिलता है और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें और साथ में घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम हम एकदम से जो है अपडेट्स देते रहते हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो है आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि लूट्स और जो डील्स और ट्रिक्स वगैरह जो है उनकी काफ़ी जो है मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई आप उनकी अनबॉक्सिंग करो। तो भाई इस बिज़ी रहता हूँ थोड़ा, इसलिए नहीं हो पाता है। एक्चुअल में बताऊँ कि 10-12 जो वीडियोस हैं वो पेंडिंग है अभी, और टाइम निकाल के जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी होती है वो आप लोगों के लिए बना देते हैं। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू मोर स्टफ़ लाइक दिस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।